और अब खबर है कसूर खुड़िया से, जहां पर खुड़िया में प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ में उठाए गए गंदगी के हवाले से मसाइल हल होना शुरू हो गए। इस हवाले से देखिए अशरफ सावल की ये खसूसी रिपोर्ट। कसूर आखिरकार खुड़िया म्यूनिसिपल कमेटी ने खुड़िया के अवाम के देरीना मसला हल कर ही दिया। फर्स्ट न्यूज के प्रोग्राम अशरफ सावल के जरिए खुड़िया के मसाइल उठाए गए थे, जिनमें जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद थे। प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ में एडमिनिस्ट्रेटर शहजाद अकरम ने इस पर कई मुलाजमीन को मुअत्तल किया और 3 दिन में मोहल्ला रहमानाबाद गंदम गोदाम के करीब से गंदगी खत्म करने की यकीन दहानी कराई। लेकिन फिर भी आप वो मंजूर जो इसका जिम्मेदार है उसको सस्पेंड करें, फौरी तौर पे जितना ये कूड़ा पड़ा है इसको आप कवर करवाएं और कोई डंपिंग साइट ढूंढे और उसको वहाँ पे शिफ्ट करवा दें। इस पर सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी ने कहा था कि हमारे पास फंड की कमी है, लेकिन फिर भी हम इसे जल्द शुरू कर देंगे। तकरीबन इसको 2 से 3 दिन तो लगेंगे, उसकी वजह है कि इसको उठाना है, फिर उसके बाद ये इस पे मिट्टी भी डलेगी, इस पे कॉस्ट भी आएगी हमारी, तो 2 से 3 दिन तो लाजमी लगेंगे इस पे। आज एडमिनिस्ट्रेटर शहजाद अकरम की खसूसी हदायत पर सब इंजीनियर फैसल सईद ने अपनी टीम के हमरा मोहल्ला रहमानाबाद में गंदगी खत्म करने के लिए मिट्टी डालनी शुरू कर दी। इस पर अहले मोहल्ला और खुड़िया की आवाम ने एडमिनिस्ट्रेटर शहजाद अकरम, सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी, सब इंजीनियर फैसल सईद और एसी कसूर समेत डीसी कसूर का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन मलक मंशा के साथ अशरफ सांवल, फर्स्ट न्यूज।